कल की क्लास में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास में शुरू करेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना। फ्रक्टोज के साथ साथ हम लोग करेंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स में सेलुलोज और स्टार्च, ठीक है। ये वाली चीजें हमने पढ़नी है आज की क्लास में। क्विकली क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। फटाफट से मैं ग्लूकोज के बारे में बता देती हूँ एंड देन फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्लूकोज इज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, एक दो तीन चार पांच छ, छह कार्बन है। लास्ट वाले पे तो CH2OH ऐसे ही रहेगा, राइट लेफ्ट राइट राइट, और बाकी जगह लगा दो बच्चों H। ये कहलाता है हमारा D प्लस O। अब समझो डी का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है, ग्लूकोज को क्या मतलब है। प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब अगर पीपीएल आती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर हम पीपीएल को, अरे ओके, प्लेन पोलराइज लाइट को आप इस ग्लूकोस के सॉल्यूशन से पास करोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको ना प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस। और ये वाली एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई तरीका भी नहीं है निकालने का, ठीक है। तो हमने ये प्लस लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया, और कैपिटल डी, इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल डी का मतलब होता है कि आप इसके सेकंड लास्ट कार्बन को देखो, ये लास्ट कार्बन है, ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो बच्चों, उसका OH अगर राइट में हो तो हम लिखते हैं कैपिटल डी। ये हमारा वो लिखने का तरीका है, इसका कोई वो नहीं है, बस हमने डिसाइड कर रखा है अगर सेकेंड लास्ट कार्बन जो ये वाला कार्बन है, इसका ये वाला कार्बन, इसका OH राइट में हो तो हम लिखते हैं कैपिटल डी। अगर OH लेफ्ट में होता, H राइट में होता, तो हम D ना लिखकर लिखते L, ठीक है। पर यहाँ पर हमको L वाला ग्लूकोज नहीं है, हमारा जो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो है D प्लस ग्लूकोज। अच्छा, ये हमने स्टडी किया था, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था बच्चों, जैसे कोई एल्डिहाइड है, मुस्कान, एल्डिहाइड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले कार्बन की, सी डबल बॉन्ड ओ एच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैम SP2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वेरी गुड। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब प्लेनर है ना। तो अब अल्कोहल का जो OH होता है, देखो मैं अलग से पहले हेमी एसिटल बनाना समझा रही हूँ। अल्कोहल का OH है वो एल्डिहाइड के बच्चों कार्बन पे अटैक करता है, और जब वो अटैक करता है आर सी, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ओ माइनस एच ऐसे ही रहा, ओ आर डैश एच प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हमको अच्छा नहीं लगता है,
तो फिर ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज है तो ये वाले इसके पास ये वाले बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स ओ के पास ले जाता है और एच जाके इसके पास चला जाता है एंड हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है इसको कहते हैं हेमी एसिटल। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। कैसे बना हेमी एसिटल? जब एक एल्डिहाइड है उसके ऊपर अल्कोहल ने अटैक किया, एल्डिहाइड के ऊपर जब भी अल्कोहल अटैक करता है तो बनता है हेमी एसिटल। दिव्यांशु याद आ गया, प्रियांशु आपकी जो जो चीजें मिस हुई थी देखते जाना बेटा, क्लियर है? ओके गुड। तो ये हेमी एसिटल किस किस को? मुस्कान और भावना, देखना बच्चों ये अपना ग्लूकोस है। ग्लूकोस का मैं कार्बन को ना नंबरिंग कर रही हूँ, ठीक है? ये कैसे कर रही हूँ, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आप ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बनाते हो तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, वो वाला कार्बन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में हो, उसको सबसे ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे बाकी वाले लिखते हैं। तो ऑर्डर तो अपना ऑफकोर्स सेम ही रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को आप सबसे ऊपर लिखते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने हेमी एसिटल बनाया ना, वही वाली चीज, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, ठीक है? जो बच्चे कल की क्लास में थे, दिव्यांशु प्रियांशु, ये चीज समझ लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद अल्फा बीटा ग्लूकोस ना सब में यूज हो रहा है, सुक्रोज के अंदर भी यूज होगा, लैक्टोज में भी यूज होगा, माल्टोज में भी यूज होगा, फिर हम लोग स्टार्च बनाएंगे, स्टार्च के अंदर जो अमीलोस और अमीलोपेक्टिन होता है उसके अंदर भी ग्लूकोस यूज हो रहा होता है, ठीक है? तो ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, एंड आप लोग बच्चों ध्यान देना जिन्होंने कल की क्लास में नहीं थे, 11th वाले, ओके। ये जो फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल है बेटा, फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल जो OH है, अब जैसे हमने इसमें क्या दिखाया था, अल्कोहल का O एल्डिहाइड कार्बन पे अटैक कर रहा है, सेम वे फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करता है। पहला क्वेश्चन ये हेमी एसिटल बनाना है हमको, यहाँ पर भी हेमी एसिटल बनाना है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों मैम आपने फिफ्थ कार्बन के अल्कोहल के ओ से ही रिएक्ट करवाया, फोर्थ वाले कार्बन के अल्कोहल से, थर्ड वाले कार्बन के अल्कोहल से, सेकंड वाले अल्कोहल के कार्बन से क्यों नहीं अटैक करवाया? दिव्यांशु इसका आंसर दे प्लीज। कल की क्लास में थे ना, मैंने बताया था, सो फिफ्थ कार्बन ये। क्योंकि सिक्स मेंबर रिंग बनती है, छह मेंबर की रिंग बनती है, विच इज हाईली स्टेबल। यस मैम जी, अभी आया है। ओके वेरी गुड। अच्छा तो बच्चे इसका अल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो देखो अभी ये वाला कार्बन, भावना मुस्कान बेटे समझ में आ रहे हैं? यस मैम। हाँ, देखो जो जो फर्स्ट कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्लेनर है, एक सिंगल प्लेन में, ठीक है? ऐसा प्लेनर समझ लो, जैसे मेरी हथेली, मतलब ऐसे करके समझ लो, ऐसा फ्लैट जैसा, ऐसे करके समझ लो। तो जो ये अल्कोहल का ओ के जो लोन पेयर है ना, ये ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, ऐसा ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, ऐसा आके ऊपर से अटैक कर ले, या फिर नीचे से भी अटैक कर सकते हैं, दोनों तरीके से अटैक कर सकते हैं। और जब भी ऊपर से अटैक करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अंदर से नीचे से अटैक करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अभी देखो होता क्या है, जब उसने ऐसे करके अटैक किया तो सबसे पहले तो हमारा बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सीपे, अगर अच्छा ओके पहले रुको, अच्छा रुको, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग दे देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6
सिक्स, ठीक है। अच्छा सिक्स वाले पर तो सी एच टू ओ एच है, वो एज इट इज रहेगा। सेकेंड वाले का ओएच राइट में, थर्ड वाले का ओएच लेफ्ट में, फोर्थ वाले का ओएच राइट में, और यहाँ पर एच 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 एच, इसका ओ इससे जाकर जुड़ जाता है ऐसे। यही किया था, देखो ओ कार्बन से बॉन्ड बनाता है, इधर ये जो ओ है इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और अल्कोहल का एच जा रहा है एल्डिहाइड वाले ऑक्सीजन के पास। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से फिर से क्या बोल रही हूँ। जब भी एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल ने अटैक किया था तो क्या हुआ, ओ बॉन्ड बनाता है कार्बन से, ओ बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, और अल्कोहल का एच जाकर जुड़ जाता है एल्डिहाइड ऑक्सीजन पे, एल्डिहाइड वाले ऑक्सीजन पे। इज इट क्लियर? गुड, ओके। यही वाली चीज बच्चों मैं यहाँ पर लॉजिक लगा रही हूँ, ये ओ इससे जाकर जुड़ गया, इसके पास क्या था एच और ये वाला ओएच। तो एक बार तो हो सकता है ओएच इधर और एच इधर, ठीक है, जब इसने जो है ऐसे करके अटैक किया, और उसके साथ बन सकता है सी 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 सी, एक दो तीन चार पांच छ, छठा वाला सी एच टू ओएच एज इट इज रहेगा, इसका ओएच राइट में, ओएच लेफ्ट में, ओएच राइट में, एच 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 एच, और इस बार एच अंदर ओएच बाहर, ठीक है। और नंबरिंग भी दे देती हूँ फिर से, वन टू फोर फाइव सिक्स, ये दो फॉर्म्स बनते हैं। क्या ये वाली चीज समझ में आई? देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स कार्बन एज इट इज है, सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स कार्बन एज इट इज है, कंपेयर कर लो बच्चों। फिफ्थ वाले कार्बन के ओ ने एल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक किया, तो ये ओएच एच और ये ओ से जुड़ जाएगा, ओएच एच और ओ से जुड़ जाएगा दोनों जगह। इस वाले में ये दोनों स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां है, सी वन पे, फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ पर OH अंदर है H बाहर, यहाँ H अंदर है OH बाहर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो फॉर्म्स बनती है, जब OH अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी प्लस अल्फा, तो हम इसको बोल देते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ए से अल्फा, ए से अंदर, OH अंदर है, ए से अल्फा, ए से अंदर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये वाला OH बाहर है तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये दोनों हमारे फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेचिन वाला है ना, स्ट्रेचिन वाला इतना अच्छा नहीं है, वो सारे रिएक्शंस भी दे रहा है, उसके अंदर वो इनकम्प्लीट है। हमको पता चला कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो ऐसे करके साइक्लिक रिंग जैसा बनेगा, अभी नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये दोनों बनते हैं। और जब जो है ना ये स्ट्रेट चेन वाला है, साइक्लिक में कन्वर्ट होता है, ये वाला बनता है 36% और ये वाला बनता है 64%। नोट इट डाउन क्विकली, पर इसका साइक्लिक रिंग बना रही हूं बच्चों। हेमी एसिटल बनना था, हेमी एसिटल बनाया बच्चों। यस मैम। चल लेट्स स्टार्ट। अभी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज है ना, अल्फा और बीटा फॉर्म बोलते हैं इनको, ठीक है। उनका मैं अब साइक्लिक फॉर्म बना रही हूँ, साइक्लिक फॉर्म। उसके लिए ना पहले मैं सिंपली यही बना देती हूँ, तो ओके सी सी सी, एक दो तीन चार पांच छ, सी एच टू ओ एच, सेकेंड पे ओ एच राइट में, पे लेफ्ट में, राइट में एच एच एच, ये अल्फा वाला है बच्चों। देखो ये अल्फा D
प्लस ग्लूकोज। अल्फा वाले का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है? ये आप बनाओगे साइक्लिक रिंग। ये हमने बना ली साइक्लिक रिंग, ठीक है। देखो छह मेंबर्स की रिंग है, ओ भी अ पार्ट ऑफ रिंग है, ओ फिर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये छह कार्बन है अपने। ओ से जुड़ा हुआ कौन सा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब आप बॉन्ड्स कैसे लिखोगे? फर्स्ट कार्बन को देखो, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, छह मेंबर्ड रिंग के अंदर। इसका जो राइट में है OH राइट में है, H लेफ्ट में। जो राइट में उसको नीचे कर दो, तो OH नीचे H ऊपर, ऐसा लिख देती हूँ। जो राइट में है ना, जो उधर राइट में है उसको बच्चों नीचे कर देना, और जो लेफ्ट में है उसको ऊपर। फर्स्ट वाले पे OH राइट में है तो OH राइट में, H लेफ्ट में तो H ऊपर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर OH राइट में, लेफ्ट ऊपर। थर्ड वाले में OH लेफ्ट में, H राइट में। फोर्थ वाले में OH राइट में तो नीचे, लेफ्ट में तो ऊपर। फिफ्थ वाले पे H और CH2OH है ना। इधर लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हम इधर ना। आप ये देखो कि CH2OH ना बड़ा है, तो उसको थोड़ा बाहर दूर की तरफ रखो। तो CH2OH इधर और H इधर। ये बन गया हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अभी भी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी वाला कहलाएगा ही और अल्फा फॉर्म। नोट दिस डाउन। और ऐसे ही बीटा वाला बनाते हैं। जो बच्चे कल नहीं थे उनको समझ में आ रहा है? भावना, मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। ऐसे मैंने अल्फा का बना लिया, नेक्स्ट पेज पे चलूं बीटा के बनाने के लिए? ओके, मैं नेक्स्ट पे चल रही हूं, बीटा वाला बना रही हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह कार्बन हो गए। और अब इन छह कार्बनों की नंबरिंग कर देते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे? OH राइट में, OH लेफ्ट में, OH राइट में, ठीक है। इसको H, 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 और इसको B से बीटा, B से बाहर, तो OH बाहर, CH2OH, और छह मेंबर्ड रिंग बना दो फिर से। और H, OH, OH राइट में, OH लेफ्ट में, और फिर इधर वाले पे भी OH राइट में, OH, H, H। ये बन जाता है बीटा डी प्लस, बीटा डी प्लस ओस, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी जब तक आप लोग ड्रॉ करते तब तक सुनते भी जाना, ठीक है। एक बात ये कि हम लोग पहली बार जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है ना, इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उनको हम पाइरनोज कहते हैं। पाइरनोज क्या होता है? छह मेंबर की रिंग जिसके अंदर एक ऑक्सीजन हो, तो हम इनको पाइरनोज कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, अल्फा बीटा दोनों फॉर्म होते हैं, 36% और 64%, जो हमने उधर लिखा था। और मैं एक चीज लिख रही हूँ कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता रहता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होता है वाया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मतलब जो बीटा वाला है ना, ये अल्फा में कैसे कन्वर्ट होगा? पहले ये स्ट्रेट चेन वाले में जाएगा, फिर ये इससे अल्फा में जाएगा, अल्फा वाला बीटा में जाएगा। अल्फा और बीटा आपस में
इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये यहां तक का इंपॉर्टेंट था पिछली क्लास का, क्योंकि ये वाली चीज समझ में नहीं आती ना, तो आज का जो मैं आगे का पढ़ाती वो नहीं समझ पाते, अब इसके बाद आपको आगे का समझ में आ जाएगा। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस, ये सारे हेमी एसिटल, दिस इज ऑल्सो हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कैसे फॉर्म होता है, जब एल्कोहल और एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला था अल्फा वाला भी, ये भी हेमी एसिटल है, ये भी हेमी एसिटल है, ठीक है बच्चों। डन डन, ओके अच्छा ओके। नाउ पहली बात ये कि हम जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है ना, इनको कहते हैं एनोमर्स, लिखूं थर्ड पॉइंट, इनको कहते हैं एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म हम लोग इनको एनोमर्स क्यों कहते हैं, हमको इनको एनोमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा और अल्फा फॉर्म का ना स्ट्रक्चर एग्जैक्टली 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 सेम है, बट कहां डिफर करता है, फर्स्ट कार्बन पे। देखो फर्स्ट कार्बन में ना OH ऊपर H नीचे है, और इधर H ऊपर OH नीचे, बाकी सारे सेम है, OH नीचे OH ऊपर OH नीचे, OH नीचे OH ऊपर OH नीचे, बाकी सब सेम है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर आपका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट कर रहा है, सिर्फ बॉन्ड डिफर कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एनोमर्स। मतलब एनोमर्स को क्या बोल सकते हो, वो वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर, जिनमें सिर्फ एक कार्बन, C1 फर्स्ट कार्बन, कार्बन वन है, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव, कार्बन सिक्स, जिनमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर, C1 पर, बच्चों सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर वो बॉन्ड्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। इसमें OH ऊपर H नीचे, उसमें H ऊपर OH नीचे। डन डन, आगे बढ़ा जाए, ग्लूकोस से आगे चले, और पायरनोस उसको बोलते हैं कि सिक्स मेंबर वाली रिंग जिसमें एक एटम ऑक्सीजन हो, सिक्स मेंबर रिंग विद वन ऑक्सीजन का एटम, उसको बोलते हैं पायरनोस। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। डन, अब मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं क्विकली यहां पर अल्फा और बीटा आमने सामने बना रही हूं, ठीक है। ठीक है अच्छा ओके, ये वाला बना रही हूं बीटा डी प्लस ग्लूकोस, और ये वाला बना रही हूँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोस। अल्फा वाले में OH अंदर था रिंग के, OH अंदर अंदर रिंग, मतलब OH राइट में और H लेफ्ट में, उसके बाद सेकेंड कार्बन पर OH राइट में, OH लेफ्ट में, OH राइट में, और इधर है CH2OH। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बच्चों याद होना चाहिए। अल्फा वाले में H ऊपर OH नीचे पहले, फिर HOH, OHH, HOH, हाँ, ठीक है। और बीटा वाले में B से बीटा, B से बाहर, तो OH लेफ्ट में था, है ना, ऊपर H, सेकंड में OH राइट में, OH लेफ्ट में, OH राइट में, OH, H, 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 देख लो प्लीज। सिर्फ इस वाले और इस वाले में डिफरेंस आ रहा है, बाकी डिटो सेम है, कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। नोटेड डाउन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एनोमर्स, एनोमर्स,
एनोमर्स इसलिए बोलते हैं, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वो वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर, सिर्फ एक ही कार्बन पर, मतलब यहाँ पर C1 में, यहाँ पर जो है ना C1 वाला जो है फर्स्ट कार्बन, वहीं पर जो है HOH चेंज हो रहा है, मतलब कॉन्फिगरेशन जो है, कॉन्फिगरेशन मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन, कॉन्फिगरेशन जो है सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, बस C1 पे ही कॉन्फिगरेशन, एक ही कार्बन पे कॉन्फिगरेशन चेंज हो रही है, बाकी पूरा का पूरा सेम है, उनको बोलते हैं एनोमर्स। और उस कार्बन C1 को बोलते हैं जो फर्स्ट कार्बन है जहां पर कॉन्फिगरेशन OH की चेंज हो रही है, उसको आप एनोमरिक कार्बन भी कह सकते हो, एनोमरिक कार्बन भी कह सकते हो, ठीक है। ये अल्फा ये बीटा है, बीटा और अल्फा में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अल्फा और बीटा में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बीटा, बीटा इज मोर स्टेबल, ओके करेक्ट। कहां लिखूं इसको, मिटा देते हैं, पहला पॉइंट बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा बिकॉज अल्फा में ना OH बड़ा, इधर OH बड़ा, दोनों बड़े बड़े एक साथ आ रहे हैं, और बीटा वाले में बड़े बड़े दूर दूर है, ऑपोजिट है, ठीक है। बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा बिकॉज C1, C2 के OH और OH, OH एंड OH आर नियर, मतलब दोनों के दोनों ना नीचे की तरफ आ रहे हैं, हिंदी में समझो तो दोनों के दोनों OH OH ना नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इस वाले में जो क्या है, एक OH नीचे दूसरा वाला OH ऊपर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बीटा ज्यादा स्टेबल है, अल्फा वाला कम स्टेबल है, ठीक है। एक ये बात बतानी थी, एक और चीज बोलनी थी, वो नेक्स्ट पेज पे मैं पॉइंट डिफरेंसेस लिख दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसी से ना मैं अभी आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करने वाली हूँ, सुक्रोज लैक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज वो सब कुछ अल्फा ग्लूकोज से बनता है, तो वो पूरा का पूरा मेरे को बनाना है आज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, रिटर्न मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। ग्लूकोज जो है ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा और बीटा वाला फॉर्म, जो अल्फा वाला है उसका फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, और बीटा वाला है 423 केल्विन। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बता रही हूं, इसको बनाते कैसे हैं, एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, और इसके अंदर लिख देते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 371 केल्विन। बनाने के तरीके अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अल्फा बीटा ग्लूकोज बनाते हैं, इतना ही है ग्लूकोज में, इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चल रिटर्न, अब मैं आगे चलूं नेक्स्ट, जहां से आज शुरू करते हैं पूरा का पूरा फ्रक्टोज, डन। एक सेकंड लिख लो, मैं साइड हो जाती हूँ।
ओके बच्चों बहुत बोरिंग है क्या? मुस्कान भावना तुम लोग एकदम चुप हो, समझ में आ रहे हैं? मैम थोड़ा थोड़ा कोई चीज रिपीट करूं, कोई चीज समझाऊं वापस दोबारा से? चलो मुझे पूछ लेना कोई चीज भी बता रही हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो फ्रक्टोस। जितना ही मैंने आज लिखा ना वो मैं कल की क्लास में समझा चुकी थी, तो कल डेढ़ घंटे की क्लास उसको मैंने आधे घंटे में समेटा है, इसलिए शायद थोड़ा सा समझना मुश्किल। अच्छा बच्चों फ्रक्टोस का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है, ठीक है? अब इसके अंदर भी 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 6 कार्बन लाइन से जुड़े होते हैं, ठीक है? पहले वाले पर CH2OH, लास्ट वाले पर CH2OH, ठीक है? दोनों पर आप CH2OH डाल दो। सेकंड कार्बन जहां पर मैं क्या करती थी, OH राइट में लेफ्ट में, राइट में राइट में, ग्लूकोज में ऐसे बनाती थी, राइट लेफ्ट राइट राइट ऐसे ही बनाती थी, तो यहाँ पर सेकंड वाले पे कर दो डबल बॉन्ड और रेस्ट सेम ही रखो, OH OH OH, और जो बचा हुआ बॉन्ड है उसको H से फिट कर, H H H, ये अपना बन गया फ्रक्टोस। एक बात बताओ, ये वाला फ्रक्टोस डी कॉन्फ़िगरेशन है कैपिटल डी की कैपिटल एल? डी, क्यों डी है? क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन, ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट नीचे से पहला वाला, उसका OH राइट में है, इसलिए ये है कैपिटल डी फ्रक्टोस। अच्छा माइनस साइन लगाया क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी का क्या मतलब होता है? पीपीएल लिया उसको फ्रक्टोस के एक्वस सॉल्यूशन से पास किया, तो वो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, इसलिए माइनस साइन, लीवो रोटेटरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डी माइनस फ्रक्टोस। Is it clear? भावना मुस्कान दिव्यांशु ये चीज समझ में आई? D क्योंकि second last carbon का OH उसमें है ना। अच्छा और क्या हो गया? ओके खैर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, ये हमारे 6 कार्बन है बच्चों। अब जैसे ग्लूकोज क्या था, एल्डिहाइड था कि कीटोन था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना भावना मुस्कान, क्लियर है? एल्डिहाइड था ना? यस मैम। हाँ तो वो एल्डिहाइड था ना, तो हमने क्या बोला कि ये वाला बच्चों ये मक्खी है इसलिए नहीं हो रहा साथ, तो पता नहीं क्यों बहुत खराब हो रहा है। अच्छा ओके, एल्डिहाइड पे अल्कोहल रिएक्ट किया तो बनता है हेमी एसिटल, ठीक है? लेकिन अगर हमारा कीटोन है, कोई कीटोन है, दिस इज अ कीटोन, और
इसके ऊपर कोई अल्कोहल अटैक करता है तो सबसे पहले तो बनेगा आर सी ओपे माइनस आर और ये ओ आर डैश एच प्लस साइन, ये यहाँ लेगा, ये एच इस पे जाएगा और फाइनल बन जाएगा आर सी ओ एच आर और ओ आर डैश। इसको कहते हैं हेमी कीटल, हेमी कीटल। समझो बच्चों, एल्डिहाइड पे जब भी अल्कोहल रिएक्ट किया था, मतलब ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड था, उस पे अल्कोहल फिफ्थ कार्बन का ओएच अटैक किया तो हम बोलेंगे कि हेमी एसिटल बना। कीटोन, उसके ऊपर अल्कोहल अटैक किया तो आप बोलोगे कि हेमी कीटल बना। ठीक है, हेमी एसिटल बनता है ग्लूकोज के केस में। अभी जो हमारा फ्रक्टोज है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है? ये है मेरा फ्रक्टोज, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, बताओ? कीटोन। कीटोन, तो यहाँ क्या बनेगा? हेमी कीटल, यहाँ बनेगा हेमी कीटल। देखो तुम लोग सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ना ये वाला चैप्टर समझने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग को समझने में तकलीफ होती है तो यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा का पूरा समझ के जाओ। ठीक है, मैं खुद इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से तो मुझे समझने में बहुत मुश्किल होती थी चैप्टर। ठीक है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए आसान रहेगा थोड़ा सा चैप्टर ये। ठीक है, कोई चीज रिपीट करूं? कीटोन के केस में हेमी कीटल कैसे बना, समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? भावना, मुस्कान, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Okay. अभी देखना हाँ, जहां डाउट हो वहां पूछते जाओ, मैं बिल्कुल भी क्लास की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है कि मैं सिलेबस खत्म करा दूं, चैप्टर खत्म करा दूं लेकिन आप लोग को आता ना। ठीक है ना, बिल्कुल ही एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी। अब फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल है, फिर से फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल अटैक करेगा। इस केस में सेकंड वाला C2 है अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर प्लेनर, तो सेकंड कार्बन पर बच्चों अटैक होगा। तो अब क्या बनेगा? फिर से अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, दोनों अल्फा बीटा फॉर्म बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो CH2OH तो सबसे ऊपर वाला एज इट इज ही रहेगा, CH2OH। ठीक है, फर्स्ट और सिक्स्थ है, बीच में बचे वन कार्बन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह कार्बन। ठीक है बच्चों, अच्छा थर्ड वाले पर ओएच लेफ्ट में मैंने ऐसे ही बना दिया, फोर्थ वाले में राइट में मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई चिंता नहीं। इसका वाला ओ इस पे जुड़ गया, इसका वाला ओ इस पे जुड़ गया और ये एच इस ओ से जुड़कर ओएच बना गया। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसका जो फर्स्ट वाला था ना, अच्छा ओके, एक बार ही CH2OH को इधर और इसके ओर तो जुड़ेगा ऐसे, ये वाला हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये OH राइट में आ गया और दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? सी 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 सी, एक दो तीन चार पांच, इस पर CH2OH ये और CH2OH बाहर, इधर OH अंदर, OH लेफ्ट में, OH राइट में, H, OH, H। और नंबरिंग कर दूं फिर से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, OH बाहर, तो बीटा बी माइनस फ्रक्टोज, OH अंदर, OH अंदर मतलब अल्फा, बी माइनस फ्रक्टोज। रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों के दोनों हेमिकीटल्स हैं। कैसे बने ये समझा रही हूँ बच्चों, हेमिकीटल्स बन कैसे रहे हैं,
क्या हुआ, फिफ्थ कार्बन के ओ ने ना अभी सेकंड वाले पे अटैक करेगा, पिछले वाले में फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया था, है ना, सिक्स मेंबर्ड रिंग बनी थी, यहाँ पर अपनी पांच मेंबर्ड रिंग बनेगी, पांच मेंबर, इसने ओ ने इस पर अटैक किया, इस कार्बन पे देखो इस कार्बन के चार बॉन्ड्स होंगे, एक सी एच टू ओ एच वाला, एक ये नीचे वाला, एक इस ओ के साथ ओ एच और एक इस ओ के साथ, तो इस कार्बन का इस ओ के साथ ओ एच सी एच टू ओ एच और नीचे वाली चेन, ठीक है, ओ एच अंदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन को, थर्ड फोर्थ कार्बन को नहीं छेड़ना, सिक्स कार्बन को नहीं छेड़ना, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज, अगर ओ एच बाहर है तो बी से बीटा, बी से बाहर, एक बार देख लो खुद से समझो और मुझे बताओ क्या चीज रिपीट करूं, भावना समझ में आया कहां पर रिपीट करूं, दिव्यांशु, मुस्कान, नो मैम, नो की समझ में नहीं आया कि वाला, नो की रिपीट ना करूं कि आ गया समझ में वाला, मैम रिपीट ना करूं, अच्छा ओके ओके, मुस्कान क्लियर है, दिव्यांशु बता बेटा डाउट है कोई, नो मैम, मुस्कान नहीं, मुस्कान हो गई, भावना कोई डाउट बेटा, नो मैम, अच्छा तो जैसे हमने ये वाला बनाया ना, अब फिर से इसके अंदर हमको रिंग वाला बनाना है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, फिर से बनाऊंगी, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करके आप लोग याद कर लो, ठीक है, ओके, सो आई विल स्टार्ट दिस, ठीक है, सी ओके, तो इस वाले सी से ये ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है, और सी एच टू ओ एच और ओ एच इधर, और इसको नंबरिंग कर देता है, पहले कंफ्यूजन आ रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, थर्ड वाले पे क्या था, OH लेफ्ट में, फोर्थ वाले में OH राइट में, H, H, H और CH2, ये कौन सी फॉर्म मैंने बनाई, अल्फा की बीटा, अल्फा अल्फा, ये हो गई अल्फा B माइनस फ्रक्टोस, ठीक है, और इससे हम लोग बनाते हैं साइक्लिक वाला, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये ओ से सेकंड कार्बन जुड़ा है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो ओ से चार कार्बन जुड़े हैं, फाइव मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है, और इनको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और अब हम बॉन्ड्स बना देते हैं, ये मैंने चार बॉन्ड्स बना दिए, अच्छा ओके, ये तो सेकंड कार्बन है, सॉरी बच्चों, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, रुको, एक बार खुद से बनाना जब तक मैं बना रही हूँ, ठीक है, मैं बना ही रही हूँ, पर एक बार आप खुद से बनाना बच्चों, ओ से जुड़ा है सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है, अब ओ से जुड़ा है सेकंड कार्बन, उसका ओएच राइट में, राइट में मतलब नीचे, और यहाँ आ गया CH2, थर्ड कार्बन पर है OH लेफ्ट में मतलब ऊपर, फोर्थ में OH राइट में मतलब नीचे, फिफ्थ में तो CH2OH को रखना है, बाकी सब जगह H H बना दो,
बन गया हमारा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, सी एच टू ओ एच ऊपर सबसे पहले, ओ एच नीचे, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। और यहां बनना, मैं बीटा वाला भी बना रही हूँ, बीटा वाले को ऐसे बना देते हैं, सी ये बीटा है तो OH बाहर और CH2OH, नंबरिंग कर देते हैं पहले, सबसे पहले नंबरिंग से आसान हो जाता है, हमेशा नंबरिंग कर लेना हाँ, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग से आपको आसान हो जाएगा। थर्ड कार्बन पर OH था लेफ्ट में, फोर्थ पे था OH राइट में, बाकी सब जगह HH हर दो, OH, बढ़िया, बिल्कुल सही है। और इसका भी हम बना देते हैं, और इसका नाम है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। और इसके फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सॉरी फिर से, 2 3 फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सेकेंड वाले पर सी एच टू OH राइट में, OH ऊपर, इसमें थर्ड में OH लेफ्ट में, फोर्थ में OH राइट में, फिफ्थ में इसको बना गया, ये हमारा बन गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अभी 2 मिनट लो, इसको देखो, अपनी कॉपी में बनाओ खुद से और फिर कंपेयर करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स कि खुद से आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही बनाने तक का है, उसके आगे तो आसान है। अब इसके आगे ना बस खत्म हो गया, मोनोसाकराइड में हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज ही पढ़ने थे, अब इसके आगे सुक्रोज लैक्टोज बहुत आसान है। ये चीज देखो समझ में आएगी नहीं, हाँ जी दिव्यांशु आगे बेटा खुद से कर लेता, सेम आंसर मैच कर रहा है। यस मैम। गुड। मुस्कान और भावना, बेटा आप दोनों का खुद से आंसर, खुद से आपने सॉल्व किया, यही आंसर मैच कर रहा है, कोई चीज रिपीट करूं? नो मैम। ओके वेरी गुड, भावना डन, मुस्कान का भी डन, है ना, थैंक यू बच्चों। तो ये खत्म हुआ मोनोसैकेराइड्स, याद होगा आपको हमने पढ़े थे, सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो वाले जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये है अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज खत्म हो गए। अच्छा अपने फ्रक्टोज के अंदर एक चीज मुझे और बतानी थी कि फ्रक्टोज में लिख लेना बच्चों फ्रक्टोज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक तो ये लीवो रोटेटरी होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं मतलब पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कीटोज होते हैं, कीटोज कहलाते हैं, कीटोन वाले ग्लूकोज मतलब फ्रक्टोज वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कीटोन में सिर्फ इतना ही है, अच्छा कीटोन में सिर्फ इतना ही है, ये लिख लेना बच्चों, ठीक है ये आप लिख लोगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूसिंग शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट ना दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि जो कंपाउंड है कैन रिड्यूस
टॉलेंस रिएजेंट, याद है टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा था अमोनियकल सिल्वर का, टॉलेंस रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर फेलिंग्स सॉल्यूशन, इनको जो है वो रिड्यूस कर सकता है तो हम बोलते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर की सिट्रेट आयंस के साथ, जो पान वो नींबू में और संतरे में ना सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा खट्टा सिट्रिक एसिड, उसकी सिट्रेट आयंस। ठीक है, तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग वाला शुगर हम उसको बोलते हैं कि वो वाले कंपाउंड जो कि टॉलेंस रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट ये होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कॉपर की सिट्रेट आयंस के साथ होती है, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी कॉपर का, तब एल्डिहाइड्स में लिखा था कॉपर का होता है, तो इन तीनों को वो रिड्यूस कर सकते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग उसके अंदर इट कैन नॉट रिड्यूस, it cannot reduce tollens reagent, benedict solution ya phir felling solution। theek hai, ye cheez samajh mein aayi, reducing sugar non reducing sugar, वो टॉलेंस रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, नॉन है तो मतलब नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब देखो काम की चीज बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक ऐसा ना शॉर्टकट ट्रिक जैसा, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा है ना। तो ऑल हेमी एसिटल्स एंड हेमी कीटल्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, आर एस लिख गया रिड्यूसिंग शुगर को, वहां पे जगह नहीं थी बस इसीलिए। हेमी एसिटल को आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि एक ही कार्बन पर ओ एच एच और ओ आर ये वाला ग्रुप कनेक्टेड हो। हेमी एसिटल को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि एक ही कार्बन पर ओ एच ओ आर और एच जुड़ा हुआ हो, और हेमी कीटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो OH, OR और R, OH, OR और R। अब कभी आपको मैं ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, और माल्टोज का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना दिया, कुछ कुछ बना के दे दिया मैंने, और मैंने बोला कि बेटा इस कंपाउंड को देखो और तुम मुझे बता दो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो तुम बोलोगे मैम ऐसे कैसे बताएं, तो बहुत आसान है, कंपाउंड को देखो और देखो कि क्या कोई ऐसा कार्बन है जिस पर OH, H और OR जुड़ा हुआ है। OR क्या होता है, ईथर, आ गया यार, ये अल्कोहल हाइड्रोजन और ईथर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो। हेमिकीटल कौन सा होता है जिसपे OH, OR और R जुड़ा हुआ हो। अगर कोई भी आपको एक ऐसा कार्बन मिल जाए जिसपे ये तीनों या ये तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ना रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज हेमी एसिटल है, फ्रक्टोज हेमी कीटल है ना, है कि नहीं। चलो अब चेक करते हैं, ये वाला जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ग्लूकोज उठा लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं अल्फा बीटा। इस वाले कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन पे क्या, इस पर मैंने कहा था ग्लूकोज हेमी एसिटल कैसा ओ एच एच और ओ आर ये जुड़ा होना चाहिए। क्या इस पर ओ एच है, हाँ है, क्या इस पर एच है, हाँ है, ओ आर ओ और यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ। यस मैम, यस, वेरी गुड, इतनी देर बाद पहली बारी फटाक से यस बोला है,
मैंने कहा आज तो बिल्कुल बायो मॉलिक्यूल थोड़ा टफ चैप्टर है, जेई वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चों को जेन्युइनली बोरिंग लगता है क्योंकि बायो वाले एकदम इसके अंदर बहुत शोर मचाते हैं, हमें आता है ये सारी चीजें तो, और ये कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं जो लोग मतलब ना इतने आसानी से समझ में नहीं आता किताब से है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ना अच्छे से समझ जाओ बच्चों। अच्छा चलो अभी कीटोन को खोलते हैं, ये वाला कीटोन इनको बोलते हैं हेमिकीटल्स। हेमिकीटल्स में क्या होता है, हेमिकीटल्स में होता है कोई ऐसा कार्बन देख लो जिस पर OH, OR और R जुड़ा हुआ हो। देखो सेकंड कार्बन पे देखो OH है, हाँ है, OR है, R डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, तो फिर ये भी हो गया ठीक है ना। Yes, ma'am. तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। Yes, ma'am. चल गुड थैंक यू, आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. चल ओके, ये चीज नोट डाउन कर ली थी, एक बार देख लो प्लीज फटाफट से। Yes, ma'am. ओके लेट्स स्टार्ट। ये थे अपने मोनोसैकेराइड्स, अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। बच्चों डाइसैकेराइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सुक्रोस उसकी हाइड्रोलिसिस पर दे विल गिव अस दो मोनोसैकेराइड्स। डाई है ना, डाई मतलब दो, तो हम लोग डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, ये वाला है ग्लूकोस और ये वाला है फ्रक्टोस ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। अच्छा और डाइसैकेराइड्स फॉर्म कैसे होता है अभी मैं ये समझाती हूँ। अच्छा एक और बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एनसीईआरटी में मेंशन भी कर रखी, सुक्रोज का ना इनवर्ट शुगर कहते हैं, इनवर्ट मतलब पलटना, इनवर्ट शुगर कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सुक्रोज है ना ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस 66.5 डिग्रीज का प्लेन पोलराइज लाइट जो पीपल होते हैं ना ये इनवर्ट शुगर उसको क्लॉकवाइज 66 डिग्री रोटेट करती है ठीक है। और ये ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसका होता है प्लस 52.5 डिग्री, लेकिन जो फ्रक्टोस है वो लीवो रोटेटरी है और इसका होता है माइनस 92 डिग्री ठीक है। तो फिर ये नंबर्स नहीं याद रखने, मैंने भी किताब उठाई थी नंबर याद करने के लिए, तुम बस कॉन्सेप्ट समझ लो ठीक है। मैं ना पानी में चीनी घोली ठीक है, पहले तो सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, मतलब उसने पीपीएल को ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था ठीक है। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पानी में जब भी चीनी घोली सुक्रोज घोला तो फिर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, दोनों बराबर बराबर बने। अब इसकी तो 52 डिग्री है ना, 52.5, तो ये तो ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, इसकी एंटी क्लॉकवाइज माइनस है तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा। बनते तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बराबर है लेकिन इसका एंगल ऑफ रोटेशन कहीं ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, तो इसको इनवर्ट शुगर हम इसलिए कहते हैं कि सॉल्यूशन पहले तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था बट थोड़ी देर बाद फ्रक्टोज की वजह से वो लीवो रोटेटरी हो गया सॉल्यूशन, इसलिए हम बोलते हैं इनवर्ट। इनवर्ट मतलब पलट देना, जैसे ये है इसको इनवर्ट कर दो तो मैं ऐसे कर दूंगी, इनवर्ट मतलब पलट गया। इनवर्ट शुगर, शुगर तो चीनी कार्बोहाइड्रेट को शुगर ही बोलते हैं ना, मीठे होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये देखो 66 इतना 66 ही रोटेट कर रहे हैं, ये इसको इतना रोटेट करना चाह रहे लेकिन ये -92 मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज्यादा रोटेट कर रहा है, इसलिए सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहते हैं। ओके डन। यस मैम। अच्छा अब बच्चों मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलाकर ये सुक्रोज बनता कैसे है, बनाऊ नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ मैं ठीक है।
आप उसके लिए ले लो अल्फा बी ग्लूकोज और बीटा बी फ्रक्टोज, उनसे बनता है सुक्रोज, पानी का रिमूवल होके, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है ना, मैंने कहा था ना सुक्रोज बनाने के लिए मुझे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज चाहिएगा, तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। ये मेरा ग्लूकोज ऐसे होता है, फ्रक्टोज ऐसे होता है, ठीक है। छह बॉन्ड्स बना देते हैं, सॉरी पांच ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव। इसका तो बहुत ही आसान है, सी एच टू ओएच ऊपर, एच नीचे। अब फर्स्ट वाले को याद करो, इसका मुझे बनाना है अल्फा, ए से अल्फा, ए से अंदर, यानी ओएच ना राइट में था, तो ओएच इधर, एच नीचे, ठीक है, वो वाला। उसके बाद क्या था, फर्स्ट वाले के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट। चलो ये हमने मेमोरी से बनाया ना, याद करके बनाया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ओएच नीचे, ओएच नीचे, ओएच ऊपर, ओएच नीचे। चलो चेक कर लेते हैं अल्फा वाले से, कहां है अल्फा वाला, क्या, हाँ नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, मैं भूल गई जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, आ जाओ यहाँ पे, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है, अल्फा डी ग्लूकोज, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसे ही बीटा डी फ्रक्टोज पे चले, दो तीन चार, ओ से जुड़ा होता है सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। बीटा वाला बनाना है, बी से बीटा, बी से बाहर, बाहर मतलब ओएच लेफ्ट में, ओएच, अरे फिर से मक्की आ गई क्या, ओएच ऊपर, सीएच टू ओएच जे, सेकंड वाले पे बी से बीटा, बी से बाहर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे था लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और फिफ्थ वाले पे क्या था, फिफ्थ वाले ने तो अटैक ही किया था, फिफ्थ वाले पे एक सी एच टू ओएच आएगा और एच आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बीटा डी फ्रक्टोज ऊपर ऊपर नीचे, और फिर वहां तो सी एच टू ओएच ऊपर है, अरे फिर से मक्की है, कहां है, बीटा, हाँ बीटा क्या है, ऊपर ऊपर नीचे और सीएच टू, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है बच्चों, सही है बिल्कुल, बीटा डी फ्रक्टोज। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, देखो अल्फा डी फ्रक्टोज बनाया और बीटा डी फ्रक्टोज बनाया, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमें जोड़ना होता है, यहां तक क्लियर है, यस मैम, ओके थैंक यू बच्चों। अभी जब बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज को जोड़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इस वाले को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, जैसे मेरा हाथ है इसको मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ऐसे 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, मतलब सेकंड वाला फिफ्थ से रिप्लेस कर दो, थर्ड वाला फोर्थ से, मतलब रिप्लेस नहीं, सॉरी इंटरचेंज, इंटरचेंज, ये वाले को इधर ले आओ, ये वाले को इधर ले आओ, थर्ड वाले को इधर ले आओ, फोर्थ वाले को इधर ले आओ, और जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, तो बॉन्ड्स को भी ऊपर नीचे कर दो, मैं समझाती हूँ, ठीक है। सो आपने क्या किया, ये ऐसे करके बनाओ, इसको लेकर गई, फिफ्थ वाले को लेके गई इधर, और जब भी लेकर गई तो सी एच टू ओएच को नीचे ले आई, एच को ऊपर ले आई, तो इसको यहां लेके गई तो सी एच टू ओएच को नीचे लेकर आई और एच को ऊपर, इसको जब यहां लेकर गई, इसको जब यहां लेकर गई तो सी एच टू ओएच को ऊपर,
और ओएच को नीचे, ठीक है, इन दोनों को भी चेंज किया। इसको जब भी यहां लेकर आई तो एच ऊपर ओएच नीचे, एच ऊपर ओएच नीचे, और इसको जब भी यहां लेकर आई तो ओएच ऊपर एच नीचे, ओएच ऊपर एच नीचे। इसको बेसिकली 180 डिग्री फ्लिप कहते हैं। 180 डिग्री फ्लिप का मतलब होता है C2 और C5 को इंटरचेंज कर दो और उसको ऊपर नीचे भी कर देना है, और C3 और C4 को इंटरचेंज कर दो। बच्चों ये ना मैं इससे उसमें नहीं समझा सकती, मतलब ये हिंदी में ही समझाने का ही है कि इसको यहाँ लेकर आओ, इसको यहाँ लेकर आओ, है ना, और इसको यहाँ ले जाके ऊपर नीचे कर दो। ये CH2OH ऊपर चला गया, OH नीचे आ गया। आया समझ में? Yes, ma'am. Good, thank you. अब ये वाली चीज को क्या मैं मिटा सकती हूँ ना, बीटा डी फ्रक्टोज का ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो आपके पास है। 180 डिग्री फ्लिप करने के बाद हमने ये बनाया था, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए तो मैं ये मिटा लू। Yes, ma'am. तो ये हम मिटा लेते हैं। आप लिख लेना हाँ कॉपी में कि बीटा डी फ्रक्टोज को 180 डिग्री से फ्लिप किया। अब क्या करो, ये कर ले लेते, इस OH और इस OH का बॉन्ड बना दो, वाटर का रिमूवल करा दो, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा, वहां से शिफ्ट करते हैं इसको, ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, ओके। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इसका ओ ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसका ऊपर का बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा H, इधर वाले में H O H, इस वाले में O H H, इस वाले में H O H, और इस वाले में CH2 O H और H, और यहाँ पर आ जाते हैं इधर वाले में, इधर था CH2OH और H OH OH H H CH2OH। देखो इन दोनों OH OH है ना, इन दोनों बॉन्ड बनाएंगे कैसे, पानी का रिमूवल होगा, O से दोनों के दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे, और इसको बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो समझ में आया क्या? यस मैम। अच्छा अब मुझे बताओ कि रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। या तो ये हेमी एसिटल हो सकता है जिसपे किसी एक कार्बन पर OH, H और ORO, या फिर हेमिकीटल हो सकता है किसी एक कार्बन पे OH, R और ORO। देखो क्या कोई ऐसा कार्बन है, चाहे ग्लूकोज का चाहे फ्रक्टोज का, क्या कोई ऐसा कार्बन है जिसपे H OH OR या R OH OR हो? देखो एक बार, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ये वाले कार्बन को चेक करते हैं, ये वाले कार्बन को, इस पे OR है, बढ़िया, H है, लेकिन OH नहीं है। इस वाले पे H है, OR है, लेकिन H है, OR है, लेकिन OH नहीं है। इस वाले पे देखो H OH है, लेकिन दोनों तरफ कार्बन कार्बन है। इस पे भी H OH है, लेकिन दोनों तरफ कार्बन कार्बन है। इस वाले पे H OH है, लेकिन दोनों तरफ कार्बन है। इस वाले पे H है, कार्बन है, लेकिन हमको तो H के साथ OH और OR चाहिए, कहीं नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी देख लो, कोई भी आपको कार्बन नहीं दिखेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक बार प्लीज अच्छे से चेक कर लो, ये चीज समझ लो, क्योंकि मैं भी लैक्टोज और माल्टोज कराऊंगी तो पूछूंगी, लैक्टोज दूध में होता है,
ठीक है, लैक्टोज भी ग्लूकोज से ही बनता है, तो एक बार चेक कर लो क्या कहीं भी कोई कार्बन आपको दिख रहा है जिस पर वो वाले तीन या ये वाले नीचे वाले तीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, कोई भी नहीं है। यहाँ पर सुक्रोज में देखोगे ये वाले कार्बन पे देखो एच है, हमको तो एच है ठीक है लेकिन ओएच नहीं है, इस पे देखो एच और ओएच है लेकिन ओआर नहीं है, एच और ओएच है लेकिन ओआर नहीं है, इस पर ओआर ओआर तो है लेकिन एच नहीं है, कोई भी नहीं है कार्बन ऐसा जिस पर वो तीनों मतलब सेट ऑफ वो तीन प्रेजेंट हो, तो हेंस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नोट इट डाउन। कोई सवाल बच्चों, कोई चीज रिपीट करूं कुछ समझ में नहीं आई हो तो? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। लिख लिया ना आप लोगों ने? यस मैम। गुड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो दूध में प्रेजेंट होता है, अगर आप कच्चा दूध पियो तो कच्चे दूध में भी अपनी मिठास होती है, हल्की सी दूध की मिठास होती है, वो होता है लैक्टोज, वो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। दूध से जब भी दही जमाते हैं तो लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, दही के अंदर खट्टा सा होता है ना दही थोड़ा सा, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टोज, जो लैक्टोज है वो बनता है, लैक्टोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, इन दोनों से बनता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बनता है। देखो पहले तो मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाती हूँ, मैं यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज बनाती हूँ। गैलेक्टोज ना ग्लूकोज से ही बनता है, जैसे हमने वहां पे फ्रक्टोज को 180 डिग्री फ्लिप किया था ना, ऐसे ही गैलेक्टोज बनाते हैं हम ग्लूकोज से। अभी समझाती हूँ, पहले क्या करो ग्लूकोज बना दो, आप बी से बीटा, बी से बाहर यानी ओएच बाहर यानी कि लेफ्ट में ऊपर, ओएच ऊपर एच नीचे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन, इसका तो बहुत आसान है, सी एच टू ओएच ऊपर ही आता है, ठीक है। अच्छा सेकंड कार्बन है ओएच राइट में, ओएच लेफ्ट में, ओएच राइट में, प्लीज चेक यही है क्या, ओएच ऊपर OH नीचे, OH ऊपर OH नीचे, ठीक है। और इससे हम बनाते हैं बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर मैं बीटा डी गैलेक्टोज बना रही हूं, बीटा डी गैलेक्टोज, और मैं आप ब्रैकेट में लिख देती हूँ बनाने का तरीका, बीटा डी ग्लूकोज को फ्लिप कर दो सिर्फ एट सी फोर, फोर्थ कार्बन की फ्लिपिंग करनी है, मतलब कार्बन वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन फाइव, फर्स्ट कार्बन ऐसे ही छोड़ो ओएच और एच, सेकंड भी ऐसे ही छोड़ो एच और ओएच, थर्ड भी ऐसे जैसे OH और H, फोर्थ पे फ्लिपिंग कर दो मतलब OH ऊपर H नीचे, और यहाँ पर CH टू OH और H तो as it is ही रहेगा, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर OH ऊपर, बढ़िया बिल्कुल सही है। बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाया, ग्लूकोज लो उसका फोर्थ वाला जो कार्बन है ना उस पर फ्लिपिंग कर दो, उसको पलट दो तो OH ऊपर H नीचे, ठीक है। Then, अब क्या करो, इन दोनों को आप ज्वाइन कैसे करोगे, रेडिकल एसोसिएशन है, ये OH और इस OH को माइनस वाटर, तो हम इसको यहां लिख देते हैं लैक्टोज,
लैक्टोज दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दूध के अंदर होता है लैक्टोज, ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से, ठीक है। और हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना देते हैं बच्चों, बस ये वाला कर लो बच्चों, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आई नो टाइम खत्म हो रहा होगा अभी आप लोग को, परफेक्ट जाना है, तो बस 2 मिनट देते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके है, इन सोन को पॉइंट हो जाता है, ठीक है, इसको 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 यहाँ पर है CH2OH और H, इसको OH ऊपर H नीचे, इसका OH ऊपर H नीचे, इसका H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर आ जाओ CH2OH और H, यहाँ पर OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे। अब इसका जो ये वाले के अंदर इसका O और इसका, यहाँ एक H, यहाँ, और इसको आप बोलोगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो और समझो, बताओ समझ में आया कि नहीं। दोनों के दोनों बीटा, मैं साइड हो रही हूँ और मैं बोलती जा रही हूँ, सुनते जाओ, दोनों के दोनों बीटा डी ग्लूकोज ही लिए हैं, एक बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा है बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में ग्लूकोज बीटा बीटा दोनों वाले ऐड करने हैं। गैलेक्टोज कैसे बनाते हैं, गैलेक्टोज कैसे बनाते हैं, जो ग्लूकोज है ना उसी को लिखो, बस चौथे कार्बन पर फ्लिपिंग कर दो, मतलब इसका OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, बाकी सारे के सारे सेम हैं, तो हमारा बन जाता है बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं, फिर से वो सेम ही है कि पानी हटा दो, यहाँ से OH OH है तो वो O बचेगा, पानी निकल गया, H इसका ऊपर, H इसका नीचे, बाकी पूरा का पूरा सेम है। ये होता है लैक्टोज। और बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर है। इस वाले कार्बन पे देखो क्या इस पर एच है, यस मैम, एच है, ओएच है, यस मैम, ओआर है, यस मैम, यस, क्योंकि ओ और कार्बन ओआर भी है, देयरफॉर दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर ये हेमी एसिटल है, ठीक है, यस मैम, चलो ओके।